डिजाइंस के लिए देखिए, ये जैसे बैक साइड का पार्ट्स है और हमें नेक ओपन रखना है 11 इंच, ठीक है, 11 इंच नेक ओपन रखना है। ऊपर से हम यहाँ पे 2.5 इंच ले रहे हैं, ठीक है, और इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं अपनी नेक लाइन को। तो ये हमारी ओपनर नेक लाइन होगी, ठीक है, और मैं पाइपिंग के द्वारा आपको ये डिजाइंस लगाना बता रही हूँ। और इसके बाद में ये हमारा नेक बन गया यहाँ पे। इसके बाद में मैंने इसको ऐसे देखो, यहाँ से हाफ सेंटर से इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना स्टार्ट किया है और इस तरह से मैं इसको अपने हाथों से शेप दे रही हूँ, जैसे कि मुझे राउंड शेप में पाइपिंग लगानी है वैसे। तो ये मैं राउंड शेप में आपको पाइपिंग लगाना दिखा रही हूँ कि कितनी सरलता से हम इस तरह से पाइपिंग लगा करके और ये जो बीच का है वो डिजाइनर नेक बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले बीच वाला जो नेक है वो निकाल देते हैं जो कि एक्स्ट्रा है, तो इसके हम यहाँ से कट करके इसको निकाल देंगे। एक बहुत ही सरल और सिंपल डिजाइन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। ये बीच का जो पार्ट है वो मैंने कट कर दिया है और अब ये जो नीचे की स्टेप है इसको कट करके अलग कर लेते हैं। तरह से हम अपने डिजाइनर पैटर्न की कटिंग करेंगे और यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से पाइपिंग से इस डिजाइन को लगाना बताऊंगी, क्योंकि इसको ये डिजाइन बहुत सिंपल है और इसको हम सिर्फ पाइपिंग से डिजाइनिंग करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा कटिंग स्टेप होगा। करेंगे ये देखिए, ये जो ड्रो है इस पे अब हम पाइपिंग लगाएंगे। तो दोनों साइड में मैंने इस पे ड्रो कर लिया है, बीच में लाइन लगा ली है और ये हमारा डिजाइन पैटर्न होगा। तो आप डिजाइन पैटर्न के हिसाब से ड्रो कर लीजिए या फिर वो पैटर्न रख कर लीजिए। ये देखिए लाइन जो है बिल्कुल बराबर में आ रही है, तो यानी कि डिजाइन पैटर्न बाद में हम लगाएंगे तो ये ओके लगेगा। अब क्या करना है, ये देखिए ये पाइपिंग है, ये डोरी वाली बारीक पाइपिंग है। और अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हो कि डोरी वाली बारीक पाइपिंग इसी तरीके से कैसे बनाई जाती है, तो वो भी आपको नीचे लिंक दे दूंगी। इससे आप ये डोरी वाली बारीक पाइपिंग बिल्कुल सरल तरीके से और आपकी जो नॉर्मल सिलाई की मशीन है उससे आप बना पाओगे। तो ये देखिए, ये जो पाइपिंग के पास पास में आपको सिलाई दिखाई दे रही है, इसके पास पास में ही मैं इस सिलाई के ऊपर एक सिलाई और निकालूंगी। तो हमें डोरी के पास में सिलाई निकालनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं इसमें आपको अच्छे से दिखाऊंगी ताकि आपको लगाने का स्टेप पता हो, क्योंकि जो नई नई बहनें हमसे जुड़ रही हैं, जो नए नए ग्रुप हमसे जुड़ रहे हैं, उन्हें मैं चाहती हूँ कि वो अच्छी तरह से अपने घर बैठे डिजाइनर ब्लाउज डिजाइनर पैटर्न सरल तरीके से सीख पाए। तो ये हमारी एक कोशिश है कि जो बहनें सीख रही हैं उन्हें हमसे कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिले। इस तरह से मैं अपनी डोरी वाली डोरी के पास पास में, अब आप देख रही हैं और अच्छे से देखें, बिल्कुल डोरी के पास पास में और डबल फिट है, वही नॉर्मल मशीन है वही डबल फिट है। और इसी से हम यहाँ पे पाइपिंग स्टिच कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जो हमारी सिलाई है वो डोरी के ऊपर ना छड़े, इसलिए मैं आप देख सकते हैं कि मैं धीरे धीरे यहाँ पे स्टिचिंग ले रही हूँ। अब यहाँ पे राउंडिंग है तो यहाँ पे भी हमारी जो पाइपिंग है उरे पाइपिंग बनी हुई है, तो ये आराम से फोल्ड हो जाएगी यानी कि गोल हो जाएगी। जो ड्रो किया हुआ है ना उसके ऊपर ऊपर हमें सिलाई ले लेनी है। अब आप देख सकते हैं ये गोलाई में भी चलती है, बस ध्यान यही रखना होता है कि इसको हमें धीरे चलाना है। और इसी तरह से पूरे नेक लाइन पे हमें इसकी स्टिचिंग ले लेनी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो देखिए लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं आप लोगों से फिर एक बार निवेदन करूंगी कि आप लोग लाइक का बटन नहीं दबाते हो, आपके इसमें कोई पैसा कोई खर्चा नहीं लगता है। आपको अगर पसंद आता है वीडियो तो उसको आप लाइक जरूर कीजिएगा ताकि जो सिखाने वाले हैं उनका मनोबल बढ़े। इससे बस एक ही फायदा होता है कि जो सिखाते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो हम लोग आपको वीडियो पहुंचा रहे हैं, हम लोगों का मनोबल बढ़े, आप लोगों को अच्छी अच्छी नई चीज सीखने को देखने को मिले। तो यहाँ पे इस तरह से मैं धीरे धीरे सब लगाऊंगी। इसके साथ साथ मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगी कि आपको जिस भी साइज की ब्लाउज की कटिंग चाहिए, हमारे चैनल से आप वो साइज करके सर्च कर सकते हैं
और इसके साथ साथ आप उस केक को बनाइए अपने घर पे और फिर हमें कमेंट करके बताइए भी कि आपकी जो राय है वो क्या है। आपके जो अनुभव है वो आप हम तक कमेंट बॉक्स में हमारे साथ में शेयर करें ताकि हमें आपके विचारों से पता चले कि आप तक किस प्रकार की हम वीडियो पहुंचा रहे हैं और हम अपने वीडियो को अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करें। और भी आपको किसी साइज की कटिंग की जरूरत हो तो आप अपने कमेंट के साथ लिख सकते हैं, अपने साइज की पूरी डिटेल्स हम तक पहुंचा सकते हैं, हम आपकी साइज के अकॉर्डिंग कटिंग और स्टिचिंग की आपको लिंक देंगे या फिर आप तक वीडियो पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे राउंड में मैंने ड्रॉ किया था वैसे यहाँ पे पाइपिंग स्टिच कर ली है। अब क्वार्टर इंच का छोड़ते हुए और जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद जो देखिए फैब्रिक है ना, फैब्रिक पे हमें कट लगाना है, हमें कट पाइपिंग पे नहीं लगाते हुए फैब्रिक पे हम कट लगाएंगे। और ये देखिए कितनी सुंदर जो पाइपिंग है वो यहाँ पे बाहर आपको दिखाई देंगी। अब मैं इस पैटर्न को यहाँ पे दूसरे फैब्रिक पे ड्रॉ करूंगी और ये पैटर्न तैयार करूंगी। नीचे से हम इसको लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं जिसको कि हम नीचे स्टिचिंग में ले लेंगे। जो एक्स्ट्रा है ना उसको हम स्टिचिंग में दबा देंगे और जो पैटर्न है उसके बराबर में हमें सिलाई करनी है। यहाँ पे मैंने पेस्टिंग नहीं लिया है, विदाउट पेस्टिंग के ये जो पार्ट्स है वो कटिंग करेंगे और जो नेकलाइन है वहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने नेकलाइन ड्रॉ कर ली है और नेकलाइन ड्रॉ करने के बाद में हम वैसे ही इसको फोल्ड करेंगे जैसे कि पहली वाली नेकलाइन को फोल्ड किया था, जैसे कट लगाए थे वैसे कट लगा करके इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल धीरे धीरे हमें अपनी डोरी के पास में स्टिचिंग लेनी है। राउंड के अंदर मशीन को धीरे चलाएं और अब सीधा रखते हुए स्टिचिंग ले लें। यहाँ पे हमारी नेकलाइन स्टिच हो गई है। क्वार्टर इंच रखेंगे फिर कट कर देंगे। अब हमें इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करेंगे तो देखिए ये जो पाइपिंग है डोरी वाली वो ऐसे ओपन हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा है वो नीचे चले जाएंगे। इस पे आप तुरपाई भी कर सकते हो, आप चाहो तो सिलाई भी लगा सकते हो। हम एक बार सिलाई लगा रहे हैं, बाद में इस पे तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करने से इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आ जाती है, लुक अच्छा आता है। पाइपिंग जो है वो बिल्कुल बारीक सी अच्छी सी लगेगी और सिंपल डिजाइन है, पहना हुआ ब्लाउज बहुत अच्छा लगता है। आप भी कोशिश कीजिएगा क्योंकि मैंने इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है।
थोड़ा सा इस पे आयरन करके इसकी फिनिशिंग बना लें। अब अपने पैटर्न को रख करके इस पे थोड़ा सा निशान मार्क कर लें कि आपको कितना स्टिचिंग में दबाना है। तो मुझे कॉर्नर पे इसको ड्रॉ कर लेना है ताकि कॉर्नर से एक्स्ट्रा ना दबे। बीच सेंटर पे दोनों के ऐसे मार्क कर लें और सेंटर को सेंटर में मिला दें। बीच का जो सेंटर है वो इस तरह से सेंटर में मिलाएंगे, फिर एक स्टिचिंग ले लेंगे तो ये डिजाइन यहाँ पे तैयार हो जाएगी। तो बहुत ही सुंदर और सिंपल और यूनिक ये डिजाइन, आप इसे अपने घर पे बना सकते हो। शेप आप अपने मनचाहा दे सकते हो, कोई भी शेप हो, पाइपिंग से इस प्रकार के ड्रॉ करके और स्टिचिंग ले सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।